इसराइल से युद्ध में गाजा की जमीन पिछले 10 महीनों में बंजर बन चुकी है। अब यहाँ खंडर है, सन्नाटा है, गोलियों और बम की आवाजों की गूंज है। भारी भरकम आबादी से लैस एक शहर अब मलबे से लेकर शमशान बन गया है। ऐसी आशंका है कि अभी भी गाजा की तबाही के दिन बाकी हैं, जहाँ इसराइल अपने मंसूबों के पूरा होने तक गाजा में हमले कर रहा है, तो वहीं गाजा में हमास समूह की गहराई इतनी ज्यादा है कि इसराइल के लिए उसे जड़ से खत्म करना नाक का सवाल बन गया है। तबाह हो चुके गाजा में अब हमास लड़ाके और इसराइली फौज ही मलबों की ओट लिए एक दूसरे पर हमलावर हैं। खंडहर इमारतों में अपना अस्थायी ठिकाना बना चुके हमास लड़ाके चुन चुन कर इसराइली बलों को शिकार बना रहे हैं। इसराइली सैनिक ही नहीं बल्कि उनके सैन्य साजो सामान भी लड़ाकों की हिट लिस्ट में शुमार हैं। लड़ाके छिपकर इसराइली सैनिकों को अपने रडार में आने के बाद सीधे सटीक हमले में ढेर कर देते हैं। वहीं घात लगाए बैठे लड़ाके इसराइली फौज पर अचानक से गोलियों की बौछार कर मार गिराते हैं। हाल ही में मास ने अपने हमले का एक फुटेज जारी किया है। इसमें दो लड़ाके टूटी फूटी इमारतों में छिपे दिखते हैं, जो बाहर की ओर झांक कर इजरायली मरकवा टैंक पर हमला करने की रणनीति बनाते हैं। इसके बाद दोनों लड़ाके अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर को रखते हैं, फिर संकरी गली से गुजरने की ओर इशारा करते हैं। इस दौरान वे अपने आसपास भी नजर घुमाकर चारों ओर देखते हैं, ताकि वे इजरायली फौज का टारगेट बन जाएं। दरअसल गाजा की खंडहर बन चुकी खाली इमारतों में कौन घात लगाकर बैठा है, इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है। इसके बाद दोनों लड़ाके बेहद सावधानी से और फूक फूक कर कदम रखते हुए टैंक के बेहद नजदीक पहुंच जाते हैं। इसके बाद एक लड़ाका पेड़ के पीछे तो दूसरा दीवार से छिपकर इजरायली टैंक पर निशाना लगाता है। दो इजरायली टैंकों पर एक एक कर वार करते हैं, जिससे दोनों टैंक में जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़ाकों का दोनों इजरायली टैंकों को उड़ाने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दोनों लड़ाके हमले के तुरंत बाद वापस खंडर इमारत में घुस जाते हैं। अपने सटीक हमले के बाद सुरक्षित वापस लौटने से वे काफी खुश दिखते हैं। दोनों लड़ाके हमला कर खुशी जाहिर करते हैं। अक्सर गाजा में फिलिस्तीनी लड़ाके किसी इजरायली टैंक या सैन्य लक्ष्य पर हमला करने पर चिल्लाते हैं। कभी कभी लड़ाके खुशी से उछल पड़ते हैं, तो कभी कभी कुरान की आयतें पढ़ते हैं। मगर अल कसम और अल कुदस ब्रिगेड के लड़ाकों से जुड़े एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एक लड़ाकू ने कुछ अलग किया। उसे रोते हुए सुना गया। समूह ने बताया कि गाजा शहर के पूर्व में शुजैया पड़ोस पर यह हमला किया गया। ऐसा दावा है कि हमास लड़ाकों ने इसराइल के लगभग 30% टैंक बेड़े को नष्ट कर दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि इसराइल का सबसे खतरनाक मरकवा टैंक गाजा में आकर क्यों कमजोर पड़ गया है। तो इसका जवाब ये है कि हमास लड़ाके शहरों की संकरी गलियों में छिपे होते हैं। ऐसे में उन्हें निशाना बनाने के लिए मरकवा टैंक को इन तंग रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस दौरान वे घात लगाकर किए जाने वाले हमलों में काफी कमजोर कड़ी बन जाते हैं। मरकवा टैंक करीब से किए गए हमलों से खुद को बचा नहीं पाता है। ऐसे में खंडहर बन चुके गाजा में इजरायली टैंक बेअसर साबित हुए हैं।